अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल एट योर होम। आई एम योर टीचर मिस सायरा जैदी। ओके क्लास वन, टेक आउट योर स्कूल वर्क बुक। आज हम यूनिट नंबर वन अल्लाह इज एवरीवेयर की एक्सरसाइज करेंगे। Our today's task is do page number 51 and 52 on school workbook. Open page number 51. Write date and day and write see work. Question number 1 is choose the correct meaning. आपको यहाँ पर words दिए गए हैं और आगे two options दी हुई हैं। जो meaning इन options में बिल्कुल correct है उस पर आपने टिक करना है। फर्स्ट इज लिसन। लिसन मीन्स टॉक और हेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिसन? यस, इट्स मीन हेयर, किसी बात को सुनना। सेकेंड इज रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का क्या मीनिंग होता है? वॉक और आंसर। रिस्पॉन्ड मीन्स आंसर। C is wrong. Wrong means incorrect or correct. Yes, wrong means incorrect. किसी काम का गलत हो जाना। Speak. What is the meaning of speak? Questions. और यहाँ पे आपका बुक में वर्कबुक में आंसर लिखा हुआ है, इस आंसर को आपने कट करके उसके ऊपर आपने लिखना है talk. क्योंकि ये मिसप्रिंट हुआ है, गलती से बाय मिस्टेक यहाँ पे आंसर लिखा गया है। आप इस आंसर को कट करके उसके ऊपर लिखेंगे टॉक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीक? स्पीक मीन्स टॉक। स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक और मोस्ट पावरफुल। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट? स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स मोस्ट पावरफुल। एफ is nobody. What is the meaning of nobody? No one or everyone? Yes, nobody means no one. What is the meaning of nobody? No one, कोई भी नहीं। Through, by way of or inside. What is the meaning of through? Through means by way of. Everywhere, what is the meaning of everywhere? Everywhere means in all places or nowhere. हर जगह पे है या कहीं भी नहीं है। Everywhere means in all places. Everywhere means in all places. Okay, class one. Now we learn dictation words. Listen, speak, Quran, write, wrong. और डिक्टेशन वर्ड्स स्पेलिंग्स याद करने का इजी वे ये होता है कि आप इनको सिलेबल कर लेते हैं। लाइक लिसन, लिसन का सिलेबल है एल आई एस, लिस एंड टी ई एन, अन। इसमें टी साइलेंट होता है, टी का कोई भी साउंड नहीं होती। नेक्स्ट स्पीक, स्पीक का कोई भी सिलेबल नहीं होता। कुरान, कुरान के टू सिलेबल होते हैं। Quran, write, write का भी कोई सिलेबल नहीं होता। एंड wrong, wrong का भी कोई सिलेबल नहीं होता। Listen, listen means सुनना। What is the meaning of listen? Listen means सुनना। What is the spelling of listen? L-I-S-T-E-N. What is the spelling of listen? L-I-S-T-E-N. लेकिन टी इसमें साइलेंट हो जाता है, टी की कोई भी साउंड नहीं आती। नेक्स्ट वर्ड इज स्पीक। स्पीक एस पी ई ए के, स्पीक। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्पीक? एस पी ई ए के, स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना। स्पीक मीन्स टॉक, बोलना। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्पीक? एस पी ई ए के, स्पीक। नेक्स्ट वर्ड इज कुरान। कुरान, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कुरान? Q
Q-U-R-A-N. What is the spelling of Quran? Q-U-R-A-N. Quran. The next word is right. Right. What is the spelling of right? R-I-G-H-T. Right. What is the spelling of right? R-I-G-H-T. Right. And right means बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही काम किया. राइट, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ राइट? RIGHT, राइट. द लास्ट वर्ड इज रॉन्ग. रॉन्ग, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ रॉन्ग? WRONG, रॉन्ग. इसमें भी आप देखेंगे कि हम W की साउंड कोई नहीं आ रही है, हम र से स्टार्ट कर रहे हैं, रॉन्ग. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉन्ग? रॉन्ग मीन्स गलत. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ रॉन्ग? WRONG, रॉन्ग. ओके क्लास वन, नाउ ओपन पेज नंबर 52. राइट डेट एंड डे एंड राइट क्लास वर्क. क्वेश्चन नंबर टू, राइट डिक्टेशन वर्ड्स टू टाइम्स. अभी हमने डिक्टेशन वर्ड्स पढ़ी हैं और ये आपने डिक्टेशन वर्ड्स टू टाइम्स यहाँ पर राइट करनी है. क्वेश्चन नंबर थ्री, मेक सेंटेंसेस. लिसन, स्पीक, लिव एंड लुक. ये फोर वर्ड्स आपको दिए गए हैं और आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं. लिसन, मेक द सेंटेंस ऑफ लिसन. यस, सना लिसन टू मी. Speak. I always speak the truth. Live. Live means rehna. I live in Lahore. मैं लाहौर में रहता हूँ. Look. Look means देखना. Look at this book. And you know that हमें sentences बनाने के लिए दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. First word is always capital. हमारा जो फर्स्ट वर्ड हो वो हमेशा कैपिटल हो. एंड वी पुट फुल स्टॉप एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. और सेंटेंस के लास्ट में हमें फुल स्टॉप डालना है. ओके क्लास वन स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. टेक केयर. खुदा हाफिज़.